सैमसंग B110 मॉडल है जिसमें सिम लॉक लगा हुआ है। इसे कैसे रिमूव करना है मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही आसान तरीका है इसे रिमूव करना। देखिए, इसका मॉडल आपको शायद नहीं दिख रहा होगा क्योंकि उतना वो क्लियर नहीं आ रहा है। चलिए, मैं फ़ोन को एक बार ऑन करके आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, इसमें सिम लॉक है। एक दो तीन चार पाँच पासवर्ड डालने पर ये रॉन्ग पासवर्ड बता रहा है। आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको ये ये क्रैक टूल है। इस पर आपको स्पेंड्रम पर क्लिक करना है। स्पेंड्रम पर क्लिक करने के बाद में आपको रीड फ्लैश पर क्लिक करना है। रीड फ्लैश पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर सैमसंग 6530 सेलेक्ट कर देना है। 6530 पर सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर देखिए एक फाइल बनाने के जो ऑप्शन आता है, इसमें आप एक फाइल बनाइए, डेस्कटॉप पर कर दीजिए। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं उसका मॉडल ही डाल देता हूँ B110 और इसे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपको सिंपली स्टार्ट पर क्लिक करना है और ओके करना है। ओके कर देने के बाद आप फ़ोन को कनेक्ट करिए। बैटरी को रिमूव कर देना है। बैटरी को इसमें ज़रूरत नहीं है, बैटरी इसमें लगाना ही नहीं है आपको। बैटरी को रिमूव कर दीजिए और रिमूव करने के बाद ओके बटन को प्रेस करके रखिए और उसके बाद डाटा केबल को कनेक्ट कर दीजिए। देखिए, यहाँ पे फ्लैश होना शुरू हो गया है। अगर ऑटो फ्लैश साइज आपको मांग रहे थे, यहाँ पर ओके कर दीजिए। चलिए, फ्लैश हो रहा है। आप देख सकते हैं नीचे ऑल डाउन हो गया। ऑल डाउन होने के बाद आप केबल को निकाल सकते हैं। केबल निकाल कर फोन को ऑन करिए। अभी भी ये पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, जो कि अभी इसका सेटअप बाकी है। मैं आगे आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। देखिए, यहाँ पे यह सिम लॉक का पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। आपको सिंपली इसमें क्या करना है कि आपको रीड पासवर्ड पर क्लिक करना है। रीड पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद में नीचे जो यहाँ पर फाइल बनाने का ऑप्शन आती है, जो आप फाइल बनाए थे उसे देखिए डिस्कटॉप पर होगा। देखिए, वहाँ पर है B110 जो कि 8 MB का फाइल है। इसे यहाँ पर ओपन कर दीजिए। यहाँ फाइल लोड हो गया। अब सिंपली आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। देखिए, स्टार्ट पर क्लिक करते ही इसमें 3-4 पासवर्ड आ रहा है। इसी पासवर्ड में से एक पासवर्ड होगा। चलिए, मैं एक एक डालकर इसमें देख लेता हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए, रॉन्ग पासवर्ड बता रहा है। चलिए, दूसरा पासवर्ड मैं डाल के देख लेता हूँ। देखिए, ये अनलॉक हो गया, जो कि इसमें यह 2580 पासवर्ड है, जो कि वही काम किया। आपको सिंपली इसको बंद करना है। आपको सेटिंग में जाना है।
सेटिंग में जाने के बाद आपको सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी में जाने के बाद देखिए नीचे सिम लॉक ऑन है, इसे ऑफ करेंगे, वही पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालकर इसे हम ऑफ कर देंगे, ओके करना है। और ये देखिए यह बंद हो गया है।